वेलकम टू पारिजात गार्डन। ये है पोर्टुलाका का प्लांट, इसको लक्ष्मण बूटी, संजीवनी बूटी और बहुत लोग बेहा के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत आसानी से लग जाते हैं और छोटी सी ही इसकी टहनी तोड़ के आप कहीं भी ग्रो कर दीजिए, बहुत आसानी से लग जाते हैं और इसके फ्लावर भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये हमने वेस्ट चीज़ों से बनाया है, आज हम आपको बताएंगे वेस्ट चीज़ों से आप इसको कैसे बना सकते हैं। ये कई कलर में आते हैं, डार्क पिंक, लाइट पिंक, वाइट, येलो। आज मेरे में केवल ये पिंक कलर का ही फ्लावर खिला हुआ है, येलो कलर का आज नहीं खिला, नहीं तो मैं आपको दिखाती। आपके घर में वेस्ट कोल्ड ड्रिंक के बॉटल या पानी के बॉटल होते हैं, आप उनको कट करके उसमें आसानी से ये हैंगिंग प्लांट बना सकते हैं। देखिए मैंने ऐसे कट करके इसमें ग्रो कर दिए हैं और ये बॉटल को आप पेंट वगैरह कर दीजिए, आपका बिना पैसे का हैंगिंग बास्केट तैयार हो जाएगा और आप इसको कहीं भी टांग सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम ये पोर्टुलाका का वेस्ट पॉट में टावर बनाना बताएंगे कि किस तरह से आप उसका टावर वेस्ट चीज़ों में बना के और अपने घर को अच्छी तरह से सजा सकते हैं। ये हमारे पास पुराना मेरा लंच बॉक्स का ये पॉट है, ये अब किसी काम का नहीं है तो हमने सोचा क्यों ना इसको भी किसी यूज़ में ले लिया जाए। आज हम इसका आपको टावर बनाना बताएंगे। आपके यहाँ ऐसे पानी के बॉटल होंगे वेस्ट, आप ऐसा बॉटल ले लीजिए और उसमें इसको यहाँ से कट कर लीजिए और छेद बना लीजिए, यहाँ पे पूरे छेद बना लीजिए, ऊपर से आप कट कर लीजिए। इस तरह से आप इस बॉटल में छेद कर लीजिए। कोई भी चीज़ नुकीली चीज़ हो आप उसको गर्म करके इसमें छेद बना सकते हैं और ऊपर वाला हिस्सा भी आप इसको कट करके निकाल दीजिए और इस पॉट में इसको यूँ ऐसे रख के और इसमें ये है लक्ष्मण बूटी का ये प्लांट है, आप छोटा छोटा ही तोड़ के इसमें एक मिनट आप इसमें ऊपर से भी मिट्टी भरना है, ऊपर से भी मिट्टी इसमें डाल दीजिए, ऊपर से भी मिट्टी डाल दीजिए और छोटा छोटा टुकड़ा काट के आप इसमें हर छेद में लगा दीजिए। से आप इसके सभी छेदों में थोड़ा थोड़ा टहनी तोड़ के लगा दीजिए और थोड़ा इसके अंदर भी लगा दीजिए और ये पॉट है उसके अंदर भी आप ऐसे डाल के लगा दीजिए और ये आपके जब पूरे भर जाएंगे और फ्लावर से भर जाएंगे तो ये टावर जैसा आपको दिखाई देगा और ये बहुत सुंदर लगेगा। और इसमें आप कोई डोरी वगैरह लगा के इसको हैंगिंग पॉट भी बना सकते हैं, कहीं टांग भी सकते हैं और इसको कहीं ऐसे ही रख भी सकते हैं और इसमें जब फ्लावरिंग होगी तो बहुत सुंदर लगता है। इसी तरह से आप वेस्ट चीज़ों से आप घर में बना सकते हैं, इसमें आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा और आपका घर भी सुंदर दिखाई देगा। फ्रेंड्स, आपके घर में बच्चों के बॉटल भी होंगे, पानी के बॉटल जो ख़राब हो जाते हैं, उसमें भी देखिए हमने छेद करके उसमें भी ये प्लांट लगा दिए हैं और ये भी हमने हैंगिंग बना दिया है। ये आप इस तरह से भी बना सकते हैं ये वेस्ट चीज़ों से और इसको कहीं भी आप हैंगिंग टांग सकते हैं, देखने में सुंदर लगेंगे। आज इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। इसी तरह से आप वेस्ट चीज़ों से हैंगिंग पॉट बना के अपने घर में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा कि आपको ये आइडिया हमारा कैसा लगा और आप अपने घरों में ये ज़रूर ट्राई करिएगा।
जब इसमें फ्लावरिंग वगैरह होंगे तो भी हम आपको दिखाएंगे कि देखने में कैसे लगते हैं।